सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। उनके बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर बताया कि बुधवार सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 71 वर्षीय अहमद पटेल करीब 1 महीने पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उनका निधन दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ। फैजल पटेल ने यह भी बताया कि अपने सभी शुभचिंतकों से अनुरोध करता हूं कि इस वक्त कोरोना वायरस के नियमों का कड़ाई से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दृढ़ रहे और किसी भी सामूहिक आयोजन में जाने से बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाने वाले पटेल की कांग्रेस को मजबूत बनाने में भूमिका को वो हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर ट्वीट कर लिखा, ये एक दुखद दिन है। अहमद पटेल पार्टी के एक स्तंभ थे। वे हमेशा कांग्रेस के लिए जिए और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। उनकी कमी महसूस करेंगे, हम उनकी कमी महसूस करेंगे। फैजल, मुमताज और उनके परिवार को हमारा प्यार और संवेदनाएं।